नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 207 रुपये में बेचने की अपेक्षा 234 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत दुगना होता है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो हम देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें दिए हुए हैं SP1 और SP2। हमें दिया हुआ है SP1 207 और SP2 दिया है 234, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है हमारे अलग अलग हैं। लेकिन कह रहा है कि लाभ 207 की अपेक्षा 234 पर क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो हम लिख लेंगे लाभ हो रहा है, दोनों जगह क्या हो रहा है लाभ, 234 पे क्या हो रहा है, दुगना। पहले से क्या हो रहा है, यदि ये एक है तो ये क्या है, इस पर दो लाभ हो रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, दोनों अब विक्रय मूल्य अलग अलग हैं, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर 234 माइनस के 207 और इन दोनों का अंतर से तुलना करेंगे। और पहला लाभ ले रहे हैं तो ये वाला लाभ हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, राइट। तो वन से, इस वन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बचेगा 27, यानी कि 27 का लाभ हो रहा है। तो फॉर्मूला हमारा होता है SP इज इक्वल टू CP प्लस P, राइट, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, CP निकालेंगे, तो CP क्या हो जाएगा, SP माइनस P, यानी कि विक्रय मूल्य अगर हम 207 ले आए हमने तो 207 लिखेंगे, और प्रॉफिट हमारा लाभ कितना आया है, लाभ आया है हमारा 27 का, तो 27 इसमें से हम घटा देंगे तो ये कितना आएगा, 0 और 8 और 1, यानी कि 180 का क्या आ गया हमारा, क्रय मूल्य, राइट। क्या करा हमने, दो विक्रय मूल्य हमारे अलग अलग दिए हुए हैं तो लाभ हो रहा है पहले की अपेक्षा दूसरे पर दुगना लाभ हो रहा है, तो यदि ये एक है तो ये दो होगा। तो हमने क्या करा, दोनों विक्रय मूल्य का अंतर निकाला, अंतर को हमने दोनों के अंतर से हमने क्या करा, डिवाइड करा। पहला लाभ निकालना है तो वन से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, घटाया तो 27 का हमें क्या आ गया, लाभ आ गया। हम जानते हैं SP बराबर क्या होता है, CP प्लस P, तो हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, SP माइनस P। तो SP अगर हम 200 लाभ हमने वन लिया है तो हम 207 में से ये वाला जो लाभ हमारा आया है ये हमने घटा दिया, घटाने पर क्या आ गया, 180, और जो कि क्या है, क्रय मूल्य, यानी कि ऑप्शन हमारा C इज़ राइट ऑप्शन हो जाएगा।